नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल को ज्ञान में। मैं आप तक लेकर आऊंगा ऐसा सारा ज्ञान जो आपको आज के टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन बहुत ही क्विक और कम समय में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों आज हम बात करेंगे Redmi K30 5G स्मार्टफोन के बारे में, जो कि तैयार है चाइनीज मार्केट में लॉन्च होने के लिए। जल्द ही दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको इंडियन मार्केट में भी देखने को मिलेंगे, और मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा इन स्मार्टफोन की लॉन्च डेट, फुल स्पेसिफिकेशन और प्राइसिंग डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह का लेटेस्ट ज्ञान आपसे मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं कि Redmi K30 की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या है। दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको मिलेगी एक 6.6 इंचेस की IPS LCD स्क्रीन विद अ पिक्सल डेंसिटी ऑफ 387, जो कि थोड़ी सी कम है एज कम्पेयर टू नॉर्मल IPS LCD स्क्रीन, जिसमें आपको मिलती है अराउंड 401 की पिक्सल डेंसिटी। लेकिन दोस्तों इस बार Redmi ने एक मेजर अपग्रेड किया है K30 सीरीज के साथ, जो कि है एक 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले, जो कि आपको एक सीमलेस एक्सपीरियंस देगी। दोस्तों अगला इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इन स्मार्टफोन्स का प्रोसेसर, जो कि है स्नैपड्रैगन 730G। ये एक काफी अच्छा और फास्ट प्रोसेसर है, क्योंकि ये है बेस्ड ऑन 8 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी, और साथ ही इसमें आपको देखने को मिलेंगी 8 कोर्स, जिसकी वजह से ये स्मार्टफोन का रिस्पॉन्स टाइम काफी फास्ट होगा। दोस्तों साथ ही इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेगा एड्रीनो 618 GPU, यानी ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि एक बहुत अच्छा GPU है फॉर गेमिंग लवर्स। सेम GPU आपको देखने को मिलेगा Redmi Note 8 और Oppo Reno 2 जैसे स्मार्टफोन्स में, जिनकी गेमिंग रिव्यूज अब तक काफी अच्छी आई है। दोस्तों अगला इम्पोर्टेंट फीचर है स्टोरेज और रैम का, जो कि आपको इन स्मार्टफोन्स में मिलेगी 64GB ऑफ स्टोरेज एंड 6GB ऑफ रैम। साथ ही दोस्तों ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स आएंगे MIUI 11 के साथ। दोस्तों अब एक नजर डाल लेते हैं Redmi K30 के कैमरास पर। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा एक 64 मेगापिक्सल वाइड एंगल, 8 मेगापिक्सल टेलीफोटो, एक 13 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल विद 2x ऑप्टिकल जूम और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। और जहां तक बात है फ्रंट कैमरा की, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा एक डुअल कैमरा पंच होल डिस्प्ले सेटअप, जिसमें आता है एक 12 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। दोस्तों साथ ही अच्छी बात यह है कि इन स्मार्टफोन्स में यानी कि K30 में आता है एक 3.5mm ऑडियो जैक, जो कि यूजर्स के लिए एक अच्छा एडवांटेज हो सकता है। दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको मिलेगी 4500mAh की बैटरी विद 27W ऑफ फास्ट बैटरी चार्जिंग, जिसकी मदद से आप हर 45 सेकंड में 1% बैटरी चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों चलिए अब देख लेते हैं Redmi K30 की प्राइसिंग डिटेल्स और लॉन्च डेट्स के बारे में। इस मोबाइल फोन का 6GB रैम और 64GB वेरिएंट चाइना में लॉन्च होने वाला है 10th ऑफ दिसंबर को एट ए प्राइस ऑफ अराउंड 1999, यानी कि 2000 चाइनीज युआन, जो कि होता है ऑलमोस्ट 20,000 इंडियन रुपीस के बराबर। और साथ ही दोस्तों स्पेकुलेशंस ये भी है कि Xiaomi इस स्मार्टफोन के और भी वेरिएंट्स लॉन्च करेगा, जो कि आ सकते हैं 664GB और 8 128GB के स्टोरेज और रैम के साथ। तो दोस्तों ये थी Redmi K30 की फुल टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, लॉन्च डेट और प्राइसिंग डिटेल्स। अगर आपको ऐसी और टिप्स चाहिए तो कमेंट कीजिए और बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि मैं ऐसा ही ज्ञान आप तक लेकर आता रहूं। थैंक यू।